हाय गाइस, सो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3 और 4 का. तो आज हम उनको कंटिन्यू करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 5, 6 और 8 का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5. तो डिविजिबिलिटी बाय 5, इफ़ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 5 और 0, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5. अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पर 5 या 0 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. हम इसका एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 95, इसके वंस डिजिट पे हमारे पास है 5 वंस प्लेस पर, और इसीलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. और एक और एग्जांपल है 680 एंड हो रहा है 0 से, तो इसलिए इसके एंड में 0 है, तो इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो ये था 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. इफ़ अ नंबर इफ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इफ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5. तो अब चलते हैं 6 पर, डिविजिबिलिटी बाय 6. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एग्जांपल है 246. हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि आगे की ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है. देखिए, ये एंड हो रहा है 6 से, दैट इज़ इवन नंबर. तो अगर ये इवन नंबर है तो इसलिए 2 से तो डिविजिबल होगा. तो फर्स्ट स्टेप हमें क्लियर हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है. अब हम सेकेंड स्टेप में चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है. थ्री से हम डिविजिबल कैसे चेक करते थे डिविजिबिलिटी, कि हम इस नंबर के तीनों डिजिट्स को, जितने भी डिजिट्स हैं, सबको सबका सम कर लेते हैं और चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं. 2 + 4 + 6, इसका सम आएगा 12. तो हम 12 को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. तो ये 3 से डिविजिबल है. तो अब हमने देखा है कि ये जो नंबर है 246, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है. तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा. 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 6. ओके, तो ये था 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट. अब हम चलते हैं 8 पे. अब हम डिविजिबिलिटी बाय 8. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 8. एक नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 8 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो. तो हम एग्जांपल लेते हैं 2544. हम फर्स्ट स्टेप में इसकी लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं कौन कौन सी है. 544. अब हम सेकंड स्टेप में चेक करते हैं कि ये लास्ट 8 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है या नहीं है. तो 8 से डिविजिबल है, प्रॉपर डिविजिबल है 68 पर. तो इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, 6 एंड 8. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.